दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल एसटीएस ऑलराउंडर में। जो अफोर्डेबल प्लेआउट्स आप मुझसे हमेशा मांगते हो, अक्सर रायनगर एक्सटेंशन में आपने बहुत डिमांड करी है। तो पहले मुझे भी रायनगर एक्सटेंशन आने में थोड़ी परेशानी होती थी, और रीज़न बिहाइंड वही था कि वही ऑटो वगैरह चेंज करना, बस अड्डे से लेना। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं, मुझे 7 मिनट लगे हैं मेट्रो में बैठने के बाद। दुहाई तक अगर मुझे आना था, ये सामने दुहाई मेट्रो स्टेशन है, एक स्टेशन बीच में पड़ता है गाजियाबाद और इसके ओनली, और टाइम लगा 41 से 47। मैंने वीडियो में भी बताया है, दुहाई से ही वहीं से मेट्रो स्टेशन से मैं इस साइड पर आया हूँ ताकि आपको पूरा समझ सकूँ। पूरी एजुकेशन बेल्ट है यहाँ पर, कॉलेज यूनिवर्सिटी आपके स्कूल्स और डिज्नीलैंड वगैरह सब कुछ दिख रहा है उसके अंदर। मतलब तो बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ें बनी है यहाँ पर। प्लॉट की प्राइस, प्लॉट के साइज़, विवेक जी से मैं काफ़ी डिस्कशन करूँगा, उनसे समझूंगा पूरी साइट को, क्योंकि ऐसी साइटें थोड़ा मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन चलो मिल गई। हालांकि ये साइट 70% सोल्ड है, मैं ये भी बता दूँ। बहुत ही कुछ ही कॉर्नर हैं, मुश्किल से 2-3 कॉर्नर होंगे और बाकी जो है वो अदर प्लॉट्स हैं, लेकिन फिर भी 70% ये सोल्ड है। और प्लॉट पे लोन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ यहाँ पर ये प्रोवाइड करा रहे हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चीज़ों को शुरू करते हैं और समझते हैं कि साइट क्या है और कैसी है। चलिए, हेलो विवेक जी, कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप बताएं। सौरव जी कैसे हो? बस विवेक जी, कुछ प्लॉट्स के लिए ढूंढ रहा था मैं एक्सटेंशन की तरफ, तो पता चला आपके पास काफ़ी अच्छे प्लॉट्स हैं। तो पहले तो मैं ये देखना चाहता हूँ ये बगल में क्या हो गया। अच्छा, ये DPS स्कूल है, तो ये तो आपकी साइड से वॉक इन ही है? बिल्कुल बिल्कुल वॉक इन है, मतलब आप 100 कदम की दूरी पे मान लो इसे। अच्छा, 100 कदम की दूरी पर है ये? हाँ, 100 कदम की दूरी भी तो वह पीछे ही तो है। तो चलो इधर तो मैं देख लिया, साइड पे चलते हैं सर। पहले बिल्कुल साइड पे घूमाओ। तो दोस्तों अभी हम जो समझोगे ना, DPS से हम जो इस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि रैपिड मेट्रो भी इसी तरफ है, और डिस्टेंस की बात करें कितना होगा ये? ये 500-600 मीटर की, क्योंकि सामने ही नजर आ रही है मुझे उसकी लाइन। हाँ जी, हाँ जी, ये सामने 500-600 मीटर की दूरी पर अपना रैपिड मेट्रो स्टेशन दुहाई का होता है। अच्छा, और ये सारी सामने एजुकेशन बेल्ट ही है मुझे लग रहा है। हाँ जी, ये HIIT अपना कॉलेज है। हाँ, इसके बगल में जो है अपना जेवीर स्कूल है, और ये अपना राइट हैंड साइड में आपने DPS देखा ही। हाँ, DPS हमने देखा ही है। तो आपकी साइट कौन सी है? ये साइट है हमारी। अच्छा, ये आपकी साइड है, चलो अंदर ही चलते हैं साइड पर। लेकिन चलने से पहले थोड़ा सा लोगों ना वहाँ पर वो दिखा देते हैं आसपास का और एरिया। ये अपना जेवीर स्कूल आ गया। अच्छा, बिल्कुल JVR स्कूल से लगा हुआ साइट है। अच्छा ये है, तो बिल्कुल आपकी साइड के साथ ही लगा हुआ है। बहुत बढ़िया है, एकदम गुड। और आगे दोस्तों मैं आपको ना पूरा पहले रूट दिखा रहा हूँ, ताकि ये आपको आइडिया लग जाए आपकी साइड जो आपने अभी देखा, मैंने वहाँ पे जहाँ पे अंदर लेके जाने वाला हूँ वहाँ से आसपास क्या है यहाँ पर। दोस्तों ये देख रहे हो, मैंने एक्चुअली बीच में वीडियो इसे रोक दी, मैं सोचा बिल्कुल मेट्रो स्टेशन से दिखा दूँ ये दुहाई को। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये दुहाई सामने समझ लो आप गाजियाबाद का रास्ता है, यानी एक स्टेशन बीच में और उसके बाद आ जाएगा आपका गाजियाबाद का रैपिड मेट्रो। गाजियाबाद और इसके बीच में जो टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने 2:41 पर दोपहर को बैठा था वहाँ से, और यहाँ उतरा हूँ 2:47 पर। इतना ही टाइम लगा है, यानी 6 मिनट वहाँ से यहाँ आने में। अब यहाँ से एग्जैक्ट वो साइट तो दिखाऊंगा ही, लेकिन उसके बगल में देखो क्या क्या है। ये देखो DPS, ये नहीं, ये तो डिस्प्लेट है, वो है ना DPS उसको भी दिखाते साथ। ये देखो कॉलेज, ये क्या नाम है इसका, HR ना? HR। ओके, तो ये एक इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पर सामने देखो वहाँ पे कट है, हमें वहीं से अंदर जाना, और ये सब बिल्कुल बगल में है ये सारी चीज़ें। ये देखिए, ये है कॉलेज, और इसके बगल से ही हमारी एंट्री होने वाली है। ये देखो दोस्तों, ये अब हमने इस मेन एरिया में एंट्री कर ली, ये बगल में कॉलेज है, और ये स्ट्रेट रोड और पक्की अच्छी खासी, ये नहीं ये किसी कच्चे रास्ते पे चला रहे हैं, प्रॉपर वे में रोड पे। और डिस्टेंस यहाँ से साइड का तो मुझे लग रहा है हार्डली 200 मीटर पे होगी साइड आपकी, 200-300 मीटर। ये देखो दोस्तों, साइड पे आ भी गए, ऑलमोस्ट नियर बाई। ये देखो दोस्तों, एक स्कूल तो ये रहा बगल में बिल्कुल, और वो सामने साइड है, और आपको इस साइड के, और वो DPS जो मैंने अभी आपको दिखाया था वहाँ से पहले हम उधर गए थे, वहाँ से वापस आए थे, और अब हम साइड पे हम एंट्री करने लगे हैं। ये देखिए, एंट्री करते ही साइड पे देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि घास के मैदान खड़े हैं, घर बने हुए हैं प्रॉपर, बिजली इलेक्ट्रिसिटी सब दिख रही है मुझे। अभी मैं आपको उतर के यहाँ पे प्लॉट साइजिंग वगैरह प्रॉपर दिखाता हूँ। तो विवेक जी साइड पे तो उधर, साइड तो आपने बड़ी पक्के तरीके से बना रखी है, ये रहा सामने स्कूल, वो रहा मेट्रो, मतलब कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पे ये बाउंड्री जिनकी होगी वो सोल्ड हो गए? हाँ, ये सारा सोल्ड आउट है। अच्छा, आगे की तरफ का लगभग सोल्ड आउट है, इसमें जो है हमारे पास ज्यादा नहीं
25 प्लॉट बच रहे हैं कॉर्नर करके। भाई है कोई प्लॉट? एक दो प्लॉट यहाँ पे है हमारे पास। और टू साइड ओपन में कुछ? टू साइड ओपन ही कॉर्नर हुआ हमारा। नहीं मतलब एक तो होता ना एल शेप वाले टाइप हो जाते हैं, उस वे में कह रहा हूँ मैं। हाँ जी अवेलेबल। अच्छा तो जैसा कि मैं सोच रहा था, अगर प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ भाई 28-29 वाला प्राइस है। हाँ जी हाँ जी। ओके और इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस हैं जैसे कोई थोड़ा सा कम में आना चाहे तो? हाँ जी बिल्कुल, 22,000 रुपए से गज से लेकर हमारे पास 30,000 रुपए गज तक का हाँ जो प्लॉट्स है वो अवेलेबल है। अच्छा तो इसे बगल में भी एक साइट डेवलप हुई है काफी, वो भी आप ही के अंडर पे थी? हाँ जी हमने ही डिलीवर की है वो साइट। अच्छा वो भी आपने की है। और सर लोन की बात करें, नॉर्मली सर मैं एक प्रॉब्लम होती है प्लॉट्स पे लोन नहीं होता, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल हम लोन करवा के देंगे प्लॉट्स के ऊपर। हाँ जी पी प्लस सी वाला इशू नहीं होगा? नहीं देखो जिनको पी प्लस सी का चाहिए उनको पी प्लस सी का मिलेगा, जो प्लॉट परचेज पे चाहिए वो प्लॉट पर। मतलब आप दोनों ऑप्शन ऑन कर रहे हैं, ये हुई एक अच्छी बात। सर एनबीएफसी वगैरह सब कर देंगे ना इस पे लोन? ठीक है। रजिस्ट्री म्यूटेशन ये सारा म्यूटेशन हाथों हाथ करा के देते कस्टमर, सब कुछ आप करा के दोगे? ठीक है सर इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं फॉलोअप करता हूँ सभी वीडियोस पे लॉन्ग, तो मैं इस पे प्रोजेक्ट पे आपके रेगुलर आऊँगा तो फिर आपको कहीं कोई परेशान करूँगा थोड़ा थोड़ा। ना बिल्कुल आप परेशान करें। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू।